Afternoon, how are you people doing? This is Veena Rao. I welcome you all to Bio Guru Veena Rao. How are you all doing? Good afternoon, Dr. Menika. Here I am with another very interesting topic of plant kingdom, which is gymnosperms. Gymnosperms, so, quickly you like se session, like and share. The बुला लो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टार्ट करेंगे फिर आज की हम अमेजिंग सी जर्नी विच विल बी अबाउट जिम्नोस्पम्प्स बच्चों हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था किंगडम में वी आर डन विद एलगी वी आर डन विद ब्रायोज टेरिडोज नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जिमनोस्पम्प्स गुड इवनिंग सबसे पहले अटेंडेंस लगाते हैं सारे बच्चे केतवाल <laughs> यस मुस्कान गुड आफ्टरनून ईशा गुड आफ्टरनून राजीव रिया मिस्टर श्रीवास्तव यासिर अंसारी सोनल कुमार गुड आफ्टरनून हेलो हाउ आर यू डूइंग जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे सैम ओके योर नेम वाज डॉक्टर जॉकर अच्छा मॉर्निंग में एक गलती से मिस्टेक हो गई थी एक बच्चा है निशागर इसका मानना है कि आई वाज द फर्स्ट वन आई वाज द फर्स्ट वन चलिए गुड गुड आफ्टरनून लो हेलो हेलो दी प्लीज़ पूछिए प्लीज़ पूछिए गुड आफ्टरनून तो पहले तो ये बताओ अब तक जितना हम कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ फ्रॉम एलगी स्टार्टिंग फ्रॉम एलगी टू ब्रायो टू टेरिडो टू जिम्नो जिम्नो आज करेंगे टेरिडो तक कुछ भी डाउट है एक्स वाई जी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो प्लीज़ पूछिए अब टू टेरिडो फाइट्स कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए बच्चे हेलो अंकिता डॉक्टर मेनिका कविंदर राणा अनी गुप्ता मिस्टर श्रीवास्तव फाइन सुपर एंथुजियास्टिक यू टेल मी हाउ आर यू डूइंग ओके यू डिन न्यू अबाउट दिस चैनल मनोज सिंह येस ऑफ कोर्स वी हैव ए न्यू चैनल विच इज बायोग बीना राव ये गोप्रेप um, का ही चैनल है बट हमने बायोलॉजी के चैनल को सेपरेट कर दिया है दिस चैनल विल एम कि आप कैसे 360 आउट ऑफ 360 लेकर के आ सकते हो अपने एग्जाम में तो दिस चैनल इज एंटायरली डेडिकेटेड टू बायोलॉजी ओनली तो दैट्स वाई वहां पे क्लासेस नहीं हो रही है यहीं पे ही आपकी सारी क्लास हो रही है तो मिस्टर मनोज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेलाइकन को प्रेस कर लो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे डेली बेसिस पे वी आर डूइंग क्लासेस डेली बेसिस पे यस yes. अनामिका अच्छे लग रहे हैं पिक पिक्चर्स जिफ वीडियोस, मजा आ रहा है सबको तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे पहले मुझे बताओ, हाउ इज योर जोश एवरी वन जोश कैसा है इज इट हाई और नॉट जोश कैसा है बच्चे पार्टी जोश कैसा है हाई है सुपर एंथू है सुपर एंथ सेंड मी थम्स अप विद अ बिग 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 स्माइली थम्स अप विद अ बिग स्माइली एंड जल्दी से इसको शेयर करके बाकी दोस्तों को बुला लो जल्दी से गुड आफ्टरनून लक्ष्मी कितना लेट लेट आ रहे हो आप लोग हाय जोश हाय चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द जिम्नोस्पर्म बच्चे हमने प्लांट के कैटेगरीज के बारे में समझा था सो वी हैड एलगी देन वी हैव ब्रायो फाइट वी हैव टेरेडो फाइट जिम्नोसपम्प्स एनजीओ स्पम्प्स एलगी ब्रायो टेरेडो वी आर डन विद दिस आज हम जिम्नोसपम्प्स पढ़ेंगे तो बच्चे जिम्नोसपम्प इज ऑन द एडवांस साइड मतलब जो प्रिमेटिव प्लांट थे एलगी ब्रायोटेरेडो हम कंप्लीट कर चुके हैं आज हम जिम्नोस करेंगे थोड़े से एडवांस फीचर्स होंगे इसमें लेकिन कंप्लीटली एनजियोस्पम्प जैसा होगा ऐसा मत सोचेगा आप लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है विद इन द जिम्नोस्पम इट्सल्फ वी हैव सर्टेन प्लांट जिन प्लांट में थोड़ा सा प्रिमेटिव टाइप की करेक्टर है एंड कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें एडवांस टाइप ऑफ करेक्टर्स होंगे राइट राइट एवरीवन प्रकाश गुड आफ्टरनून जल्दी आओ जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे बजरंगी वर्मा हेलो हेलो हाउ आर यू डूइंग तो जिम्नोस्पम्स को आज हम पढ़ने वाले हैं जानेंगे हम कि ऐसे क्या क्या एडवांस फीचर्स इसमें प्रेजेंट है कैसे प्रिमिटिव फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं तो ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 360 एंगल पे छलांगे मारता हुआ ये बेसिकली आपका कौन है स्ट्रॉबलेस और कौन ऑफ ए जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम्प्स का मेन यूएसपी यही होता है जिम्नो Which means... प्लांट विच आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड्स तो सीड्स यहां पर नेक्ड है सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन साइड एनी ओवरी किसी भी ओवरी में इनक्लोज नहीं है सीड्स सीड्स आपके जो है वो नेक्ड सीड्स है इन विच वी हैव सीड्स दैट्स वाई कोई फ्लावर का प्रोडक्शन यहां पर नहीं होता है दैट्स वाई यहां पर किसी फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होता है तो फ्लावर फ्रूट एवरीथिंग इज एबसेंट इन केस ऑफ जिम्नोसपम्स राइट ना तो फ्लावर होता है ना ही फ्रूट एंड आपके जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है बट बट but... आपके जायलम एंड फ्लोएम में जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है दे आर एब्सेंट विच मीन जाइलम के अंदर आपका वेसल इज एबसेंट दैट्स वाई आप इनको वेसल लेस प्लांट भी बुलाते हो फ्लोएम में वी डोंट हैव कंपेनियन सेल इन केस ऑफ जिम्नोस्पम तो जिम्नोस्पम एडवांस तो है लेकिन एनजीओसपम्स के जितना एडवांस नहीं है वी हैव सर्टेन अदर कैरेक्टर्स विच विल कम इन टू द एनजियोस्पम थोड़ा सा प्रिमेटिव साइड में हो जाता है आपका जिम्नोसपम तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरी वन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर इसका कलर हम कुछ चूज कर लेते हैं ये वाला यस दैट इज विजिबल आज बहुत ही बेहतरीन पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपीटी है एंड लास्ट में बहुत ब्यूटीफुल सा एनिमेशन भी है समराइजिंग द एंटायर प्रोसेस जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं पूरी प्रोसेस को समराइज करता हुआ एक बहुत ब्यूटीफुल सा आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा सेशन के एकदम लास्ट में हां जी तो जिम्नोस्पम दीज आर द प्लांट्स इन विच आर नॉट इनक्लोज नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी तो बच्चे आप समझिए ओव्यूल के आउटसाइड में ओवरी नहीं प्रेजेंट है विच मीन्स दे विल रिमेन एक्सपोज कैसे एक्सपोज समझ में अगर नहीं आया तो समझिए बेसिकली जो आपका जिम्नोस्पम है ये एक कौन है जिम्नोस्पम का ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, का, right? इसमें ये आपका है. मैं कि जिम्नोस्पम्स में नेग्ड सीड्स प्रेजेंट है कैसे सीड्स प्रेजेंट है नेग्ड सीड्स प्रेजेंट है तो मैंने लिखा यहां पे भाई नेग्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं कैसे आप देखिए आप देखिए ये एक सीड है दिस इज योर वन सीड दिस इज अगेन योर सीड ये भी आपका सीड है इसको बाहर निकाल के हम देखते हैं तो इस तरीके से सीड प्रेजेंट होता है आउटर में ये एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर एज एनजीओ में सीड इज इनक्लोज इन साइड द फ्रूट फ्रूट के अंदर आपका सीड प्रेजेंट होता है यहाँ पे फ्रूट के अंदर आपका सीड प्रेजेंट नहीं है इट इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड that's why the seed which have been developed after post fertilization are not covered instead they are naked very important first mcq alert aa bhai ghanti apne first mcq alert aa hai ji ki gymnosperms are basically having presence of naked seeds since Since the ovule is not enclosed inside any ovary, that's why the seed is not enclosed inside any fruit-like structure. लाइक उत्तराखंड में बहुत होता है बिल्कुल अनामिका आ, हिली एरिया में आप जहाँ पे भी आओगे जाओगे आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिमनोसपम्स के चिलगोजा खाया आपने चिलगोजा चिलगोजा इज बेसिकली जिमनोसपम ओनली उसमें भी आप सिर्फ सीड खाते हो सीड खाते हो चिलगोजा में रामदवन गुड आफ्टरनून कितना लेट आ रहे हो जल्दी आओ अनाया कुमारी टेलीग्राम बच्चे आप बायोगुरु के पेज पे जाओ वहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करो डायरेक्टली आपको लिंक दे देगा टेलीग्राम का वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है राइट right? तो ये क्लियर हुआ सबको कि जिम्नोस्पर्म्स में बेसिकली वी हैव प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड्स नेक्ड सीड्स हैं द सीड्स आर नॉट एनी ओवरी वॉल राइट चलिए जी आगे चलते हैं आगे समझते हैं डिफरेंस क्या है अगर आप समझना चाहते हो कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है तो बच्चे दिस इज योर जिम्नोस्पर्म का सीड ये है आपका एनजीओस्पम्प का सीड एनजीओसपम्प का सीड लेट एन एग्जाम्पल वी हैव टोमेटो या एप्पल कोई भी आप ले लीजिए तो टोमेटो के इनसाइड में यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड में वी हैव दिस फ्लैशी कवरिंग जिसको कि आप खा रहे होते हो राइट तो टोमेटो इज योर एन दिस इज ऑल्सो योर एन अगेन यू हैव दिस सीड अंदर में आपका सीड प्रेजेंट है बाहर में यू हैव द फ्लैशी एप्पल जिसको कि आप लोग खा रहे होते हो राइट right? तो ये फ्लैशी वाला पार्ट है जो आप खाते हो तो सीड्स आर इनक्लोज इन साइड द ओवरी दैट्स वाई एनजीओ में सीड्स आर इनक्लोज इन साइड द फ्रूट दिस इज ऑल्सो फ्रूट दिस इज ऑल्सो फ्रूट तो एनजीओ में वी हैव सीड्स विच आर इनक्लोज इन साइड द फ्रूट राइट इन साइड द फ्रूट वेयर एज जिम्नोसप में आपको ऐसा कौन देखने को मिलता है इस टाइप का कौन देखने को मिलता है तो यहां पे भी है प्रेजेंस ऑफ सीड्स जो कंप्लीटली नेक्ड सीड्स होते हैं नो कवरिंग एट ऑल नो कवरिंग एट ऑल कंप्लीटली नेक्ड सीड्स आर प्रेजेंट तो यहां पे जिम्नोस्पम्स में वी कैन से दैट देर इज प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड्स एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एवरी वॉन्टलमी ये रिया गुप्ता हम बात करेंगे उसकी ये समझ आया आप बच्चों को वाई जिम्नोस्पम इस डायग्राम में पीछे ये भी आपका जिम्नोस्पम का कौन ही दिया हुआ है राइट राइट चलिए जी फिर चलते हैं आगे चलते आगे जिम्नोस्पम किस टाइप का होता है देखने में तो आप देख सकते हो कुछ डायग्राम्स जिम्नोस्पम्स के दिस इज़ योर जिम्नोस्पम, दिस इज़ योर जिम्नोस्पम, दिस इज योर जिम्नोस्पम। कॉमन जिम्नोस्पम अगर आप देखना चाहते हो तो आप किसी बड़े पार्क में जाओगे तो आपको साइकस रिवोल्टा देखने को मिलता है बहुत ब्यूटीफुल सी उसकी लीफ होती है निडल शेप्ड लीफ होती है उस इतना छोटा ही प्लांट होता है बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं होता है साइकस रिवोल्टा इज ए टिपिकल जिम्नोस्पमिक प्लांट ऑर्नामेंटल पर्पज में उसको यूज किया जाता है उस प्लांट के ऊपर इस टाइप के ये कॉन्स लगे हुए होते हैं राइट सो दिस इज योर जिम्नो स्पम दिस इज योर जिम्नो स्पम राइट चलिए जी आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे प्लांट के बारे में डिटेल्स में कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है साइज कैसा है रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है या नहीं है अगर प्रेजेंट है तो किस टाइप की प्रेजेंट है साइनाथ बिल्कुल वेसल्स एब्सेंट होती है बिल्कुल करेक्ट बात है सिप्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे इसी वी डोंट हैव ओवरी ओवरी के इनसाइड में ओव्यूल नहीं है ओवरी ही आगे चल के फ्रूट बनाता है तो जब ओवरी ने फ्रूट बनाया तो ओव्यूल ने सीड बना दिया इन केस ऑफ योर एनजीओ बट यहां पे वी डोंट हैव ओव्यूल विच आर इंक्लोज इन साइड द ओवरी सो दैट्स वाई वी डोंट हैव दैट फ्लैशी स्ट्रक्चर वी जस्ट हैव द नेक डिड्स इसीलिए जिम्नोसपम्स में आपके सिर्फ नेक्ड सीड्स देखने को मिलते हैं राइट अब हम बात करेंगे साइज से लेकर के किस टाइप का रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये सारी बातें हम करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग विद द साइज प्लांट का साइज कैसा होता है अब आपने जब हिली एरियाज में देखा होगा तो यू माइट हैव पोर्ट्रेट ए पिक्चर कि यार ये हमेशा बहुत बड़े 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 प्लांट होते हैं बहुत बड़े प्लांट होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है साइज की अगर आप बात करोगे तो साइज माइट वेरी बिटवीन मीडियम साइज भी हो सकता है काफी टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं एंड शब्स विच इज बुशी लाइक अपियरेंस हब शब ट्री तीन डिफरेंट टर्म्स होती है हर्ब्स जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उसको आप हर्ब्स बुलाते हो राइट right? जो हाब्स आपका साइज जनरली छोटा होता है जो तना होता है जो स्टेम होता है वो काफ़ी कम होता है शॉप्स बुशी प्लांट को आप बुलाते हो जो बुश लाइक अपेयरेंस होता है उसको आप शॉप्स बुलाते हो वेर एस ट्री आर द प्लांट जिसमें आपका स्टेम काफ़ी बड़ा होता है काफ़ी डायमीटर में इंक्रीज़ हो गया उसको आप ट्री बुलाते हो राइट तो अगर हम बात करें इसकी साइज़ की कि प्लांट का साइज़ कैसा होगा प्लांट का साइज कुड बी मीडियम साइज प्लांट कुड बी योर टॉल ट्रीज कुड बी योर शब्स ये नॉर्मल प्लांट्स है इसके अलावा वी हैव ऐसे भी प्लांट इन केस ऑफ जिम्नोस्पम जो एक्सट्रीमली लार्ज एक्सट्रीमली बड़े हैं साइज में ऐसा कौन सा प्लांट है अमंग द जिम्नोस्पम विच इज एक्सट्रीमली बिग इन साइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेस्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज सिक्योया दिस इज योर एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीआरटी एनसीआरटी का एमसीक्यू अलर्ट विच इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लांट अमंग जिम्नोस्पम तो सिकोया इज द लार्जेस्ट प्लांट इसको आप जायट रेडवुड भी बुलाते हो दिस इज सो जयंट इतना बड़ा प्लांट होता है कि मनुष्य अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इट विल अपियर सो टाइनिंग बहुत ही छोटा दिखेगा आपको दिखने में इतना बड़ा प्लांट होता है सो दिस इज वन ऑफ द टाल टॉलेस्ट ट्री स्पेसिज अमंग ऑल द प्लांट राइट लिखो सारे बच्चे कमेंट में नाफि अली वर्ट इ शब नाफिसा शब्स आर बुशी इन अपियरेंस जो बुश लाइक होते हैं जो झाड़ होती है उसको आप शब्स बुलाते हो रेड कलर यूज करू ठीक है जी रेड कलर यूज कर लेते हैं नॉट अ प्रॉब्लम इज इट विजिबल नाउ इज इट विजिबल सो दिस पॉइंट इज द एम सी क्यू अलर्ट एवरी वन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सारे के सारे बच्चे जाइंट रेडवो ट्री इज योर इज योर वेरी गुड केथावत मनोज सिंह बहुत अच्छे बच्चे सिप्त में सेठी बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राइट डाउन ईशा वेरी गुड राहुल शाबाश उमरा अंसारी वेरी गुड नाफिसा अली क्लियर अंकिता गिल वेरी गुड डॉक्टर मैन का परफेक्ट तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री स्पीसी राइट चलते हैं जी आगे चलते हैं आगे वट अबाउट द रूट स्टेम लीव अब यार मेरी एलगी मेरी एलगी जो थी दैट डॉक्टर मैन का थैंक यू सो मच सो लवली ऑफ यू थैंक यू वेरी मच एलगी वॉज लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट था एबसेंट था राइट देन आई केम टू ब्रायोफाइट्स वो भी लाइक है ट्रू रूट स्टेम लीफ उसमें एबसेंट है देन आई केम टू टेरेडोफाइट्स उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ आना शुरू हो चुके हैं नाउ वी आर ऑन द एडवांस्ड वर्जन विच इज जिम्नोस्पम तो जिम्नोस्पम्स थैलेसलाइक तो बिल्कुल ही नहीं होगा जिम्नोस्पम इज कंप्लीटली ऑन द एडवांस साइड विच मीन्स यहाँ पे ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ विल बी प्रेजेंट यहाँ पे आपकी रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होती है रूट स्टेम लीफ आपकी प्रेजेंट होती है ना रूट किस टाइप की है स्टेम किस, किस, किस टाइप की होती है ये हमको देखना है तो बिगिनिंग विद द रूट अगर आप बात करेंगे रूट की रूट कि किस टाइप की है तो रूट फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑफ टैप रूट टाइप टैप रूट सिस्टम जनरली जो रूट पाई जाती है वो टैप रूट टाइप की होती है ना वट इज टैप रूट टैप रूट क्या होता है मोरफोलॉजी में किस किस ने पढ़ा है टैप रूट टैप रूट होता है आपका अगर प्लांट के एम्ब्रियो से रेडिकल से निकला आपका प्राइमरी रूट उस प्राइमरी रूट से निकला आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट तो जो ये पूरा नेटवर्क बन गया फ्रॉम दैट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम उसको आप कहते हैं टैप रूट सिस्टम अगर ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है तो आपके प्लांट के बेसिक काफ़ी सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइबरेस रूट सिस्टम तो मेजरली प्लांट्स में आपका टैप रूट सिस्टम पाया जाता है क्या पाया गया जी टैपरूट सिस्टम पाया गया करेक्ट बात है करेक्ट बात है, to, pinus, ये दो जाती है इनकी रूट सिस्टम मूविंग है जो पाइनस प्लांट होता है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट ये दोनों ही लाइन बहुत ज्यादा महत्व रखती है आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोनों की दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चे तो समझिए जो पाइनस प्लांट होता है इसकी रूट के साथ में फंगस का एसोसिएशन है अब यार अगर रूट के साथ में फंगस एसोसिएट कर जाती उसको तो हम माइकोराइजा कहते हैं यस और नो बिल्कुल कहते हैं तो पाइनस प्लांट इज द वन जिसमें माइकोराइजल कनेक्शन पाए जाते हैं वट इज माइकोराइ माइकोराइजा इट इज एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हाइयर प्लांट वट इज हाइयर प्लांट मोर स्पेसिफिकली इट इज योर पाइनस प्लांट राइट तो पाइनस इज द प्लांट जिसमें आपके माइकोराइजल कनेक्शन पाए जाते हैं राइट right, एवरीवन लिखो सारे बच्चे मुस्कान बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है मुझसे आई गेस यस लिखिए सारे बच्चे जगदीश यादव मेरे लाल दिमाग का ढक्कन खोलो डायकोट प्लांट नहीं है ये डाइकोट मोनोकोट प्लांट तो एनजीओ की कैटेगरीज होती है जिम्नोसप में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है यादव साहब ये जिम्नोसपम्प पढ़ रहे हैं हम जिम एनजीओज में मैं आपको डायकोट एंड मोनोकोट पढ़ाऊंगी ठीक है यस तो

कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। इस डायग्राम को देख लो बच्चा ये भी आपकी कोरेलॉइड रूट्स हैं, जो कि साइकस में पाई जाती है तो साइकस में आप सिंपल सी चीज याद करेंगे सी क्यूब। पाइनस में आप सिंपल सी चीज याद करेंगे पाइनस इज़ इज्कवल्स टू फंजाई बस ये दो चीजें याद कर लो यहाँ से इस डायग्राम को देखिए दैट्स हाउ योर फंगल कनेक्शन आर प्रेजेंट ये आपका प्लांट है ये प्लांट की रूट्स हैं ये फंगस है ये फंगस कंप्लीटली एसोसिएट कर गया है आपके पाइनस प्लांट से सिम्बायोसिस मेंटेन कर लिया है जैसे आपने और मुझने भी सिम्बायोसिस है मैं आपको 360 सिक्सटी ऑन थ्री दिलाऊंगी एंड आप इस बायोग चैनल को नंबर वन बायोलॉजी का चैनल बनाएंगे बाय रीचिंग आउट तो मोर एंड मोर पीपल यस हम दोनों में भी सिम्बायसिस एस्टैब्लिश करा हुआ है जस्ट लाइक दैट यहां पे भी सिंबायसिस प्रेजेंट है पाइनस प्लांट में भी साइकस प्लांट में भी अब आप एक बात समझो अगर फंगस प्रेजेंट नहीं होगा तो पाइनस प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता पाइनस प्लांट कैन नॉट ग्रो एट ऑल विच मीन इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट है अगर फंगस नहीं है तो पाइनस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी यस यस एवरीवन, दोनों म्यूचुअलिज्म स्टैब्लिश करते हैं फंगस भी प्रोवाइड करता है कुछ फायदा प्लांट को प्लांट भी प्रोवाइड करता है कुछ फायदा विच इज प्लांट ने दिया शेल्टर फंगस ने डिस्टेंट प्लेसेस से वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके दे दिया है प्लांट को तो आपको दो चीजें याद करनी है बच्चे मेरे विच इज विच इज यहां लिखती हूं पाइनस प्लांट की जो रूट्स हैं उन्होंने एसोसिएट कर लिया है किससे फंगस से फंजाई से इसको मैंने बोल दिया माइकोरेजल कनेक्शंस दूसरा क्या साइकस एसोसिएट कर लिया किससे साइनोबैक्टीरिया से इसको मैंने बोल दिया है कोरेलोइड रूट्स कोरेलोइड रूट्स सी क्यूब पाइनस इक्वल्स टू फंजाई पाइनस इक्वल्स टू फंजाई एम आई क्लियर और एम आई क्लियर उमरा अंसारी नहीं भाई नहीं फंगस नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प नहीं करता है बिल्कुल भी फंगस में हाईफे प्रेजेंट है वो हाईफे का मेन काम होता है कि वो डिस्टेंट प्लेसेस तक ग्रो कर सकता है ग्रो करके वो वाटर मिनरल्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है जब उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया तो वो प्लांट की रिचबलिटी बढ़ा देता है प्लांट में अगर सिर्फ रूट्स होती है तो रूट्स में इतनी क्षमता नहीं है इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूर दूर तक स्प्रेड हो पाए राइट तो फंगस इस प्रोसेस में एड कर रहा है हेल्थ कर रहा है इस प्रोसेस में ठीक है क्लियर हुआ सी क्यूब एंड पाइनस इक्वल्स टू फंगस क्लियर हुआ अबाउट द रूट जनरली यू गो हैव जनरली यू विल हैव टैप रूट सिस्टम कलर चेंज किया जाए चलो मैं क्यों ना मैं आपको नोट्स पे ही लिख देती हूं है ना क्यों ना मैं आपको नोट्स पे ही लिख दू अब सारे बच्चों को कलर से हो रही है प्रॉब्लम हाँ जी तो यहां लिख देती हूँ बच्चा आपके लिए हमने बात करी है अभी कि आपको दो चीजें याद करनी है पहली ये कि जनरली वी हैव टैप रूट सिस्टम सभी जिम्नोस पंप्स में जनरली टैप रूट सिस्टम पाया जाता है पहली चीज दूसरी चीज ये कि जो पाइनस प्लांट है उसकी रूट्स से फंजाई ने एसोसिएट कर लिया है बना दिया है माइको राइज कनेक्शन विच इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ पाइनस प्लांट दूसरी हमको याद करनी है वी हैव द साइकस प्लांट जिसने एसोसिएट किया है किससे साइनोबैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया से, Cynobacteria से एंड इसकी जो रूट्स है दीज वन आर कोरिलोइ रूट्स नाउ चलमी एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एम आई क्लियर और एम आई क्लियर टेल मी, अनि गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड अनिगुप्ता वैभव बहुत बढ़िया शाबाश दिव्यांशी गुप्ता वेरी वेरी गुड वेरी गुड एस कुमार रवि नो प्रॉब्लम अभी आ जाओ आप क्लियर हुआ चले आगे दिस इज ऑल अबाउट रूट्स ये हमने रूट्स की बात करी आगे चलते हैं जी लेट्स मूव हेड आगे चलते बट अबाउट द स्टेम स्टेम कैसा इन प्लांट का अब इन प्लांट में तो आपको रूट स्टेम लीफ सारी चीजें क्लियरली देखने को मिलेंगी राइट right? तो अब अगर हम बात करें स्टेम की तो स्टेम मेरे लाल अनब्रांच्ड भी हो सकता है प्लांट आपका अनब्रांच्ड मतलब कोई ब्रांचिंग ही नहीं है यस ऑफ कोर्स देर इज नो ब्रांचिंग एट ऑल ये देखिए आप इस प्लांट को ये आपका साइकस प्लांट है किस किस बच्चे ने इस प्लांट को देखा है कहीं घूमने जाते हो पार्क में या बाहर आपकी सोसाइटी के बाहर में हमेशा ये प्लांट जरूर जरूर मिलेगा मोस्ट कॉमन प्लांट जिसको आप ऑर्नामेंटल पर्पज में यूज करते हो मोस्ट 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 कॉमन प्लांट बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए इसको बड़े अच्छे से ग्रो हो सकता है ये प्लांट तो आप देखिए इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है यहां से बेस से आपकी सारी लीफ अराइज होती है बेस से सारी लीफ अराइज हो गई है लाइक दिस देर इज नो ब्रांचिंग एट ऑल तो जो स्टेम है दैट माइट बी अनब्रांच्ड स देर इज नो ब्रांचिंग एट ऑल किस प्लांट में ये डायग्रा, ये सॉरी नो डायग्राम, ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए बच्चे कि साइकस प्लांट इज अनब्रांच्ड वेयर योर पाइनस एंड सेड्रस प्लांट आर ब्रांच कैसे इसको देखिए पूरी प्रॉपर ब्रांचिंग है आपके प्लांट में ब्रांचिंग है आपके प्लांट में तो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं एंड ब्रांच्ड भी हो सकते हैं अनब्रांच्ड इज साइकस ब्रांच इज पाइनस एंड सेड्रस सिटी डिवाइडर और डिवाइडर्स हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सिटी रोड के साइड में डिवाइडर्स पे भी आपको मिल जाएगा मोस्ट कॉमन प्लांट मैं बोल रही हूँ मोस्ट कॉमन प्लांट हर कहीं आपको मिल जाता है हर कहीं हाँ जी वैभव बिल्कुल करेक्ट फर्रे बना लो एग्जाम्पल्स के काम आएगा तुम्हारे फर्रे बना लो एग्जाम्पल एग्जाम्पल के जितने फर्रे बनाओगे उतना अच्छे से तुमको याद रहेगा ज्ञान चक्षु में फिट हो जाएगा अनब्रांच्ड साइकस ब्रांच पाइनस एंड सेड्रस चलिए जी हमने रूट्स की बात कर ली हमने स्टेम की बात कर ली लीफ लीव कैसी होती है अब लीफ जहां तक मुझे मोरफॉलोजी याद है लीफ क्या तो सिंपल लीफ हो सकती है या फिर कंपाउंड लीफ हो सकती है कंपाउंड लीफ में भी वी हैड टू है क्या तो पिनेटली कंपाउंड हो सकती है या फिर पालमेटली कंपाउंड लीफ हो सकती है राइट right, जी तो देखते हैं जो लीफ है इट माइट बी सिंपल और इट माइट बी कंपाउंड लीफ आपकी सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती है सिंपल भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती है वर्ड अबाउट द साइकस प्लांट साइकस प्लांट की जो लीफ होती, होती है वो पिनेट लीव्स होती है पिनेटली कंपाउंड दे परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स फ्यू ईयर्स तक परसिस्ट करती है साइकस में आपकी पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू अलर्ट द लिवस इन जिम्नोसपम आर वेल अडेप्टेड टू विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बाई जिमो जिम्नोस्पम्स आपका हिली एरिया में मेजरली ग्रो करता है ना टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही कम होता है ठंडी का मौसम होता है पानी पहले ही कम है तो प्लांट चाहता है कि मैं अपना कम से कम पानी वेस्ट करूँ मैं अपना पानी बचा करके रखूँ तो प्लांट ने भी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप करी होती है जैसे तुम लोगों को एग्ज़ाम देना तुम लोगों ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि एग्ज़ाम देने के लिए मुझे सो एंड सो तैयारी करनी है मुझे बायोलॉजी में इतने मार्क्स चाहिए फिजिक्स में इतने चाहिए केमिस्ट्री में इतने चाहिए तो वो एग्ज़ाम देने की प्रोसेस के लिए जो भी प्री रिक्वेज है वो सब आप कंप्लीट कर रहे हो राइट नाउ सिमिलरली जो ये प्लांट है इसको भी भाई ठंड में रहना है पानी बहुत कम है वहां पे तो ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट करूं ताकि मुझे पानी की कम से कम रिक्वायरमेंट हो इसके लिए सिंस इट वांट टू विद स्टैंड विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड व्हाट दिस प्लांट इज डूइंग इसने अपनी जो लीफ है उस, उसकी शेप को निडल लाइक लीफ कर दिया शेप को चेंज करके निडल लाइक कर दिया इससे क्या फायदा हुआ इससे फायदा ये हुआ जो लीफ है उसका काम है फूड बनाना कैसे बनाता है वी हैव स्टोमेटा स्टोमेटा से सियोटू को इनहेल करता है फूड बनाता है लेकिन स्टोमेटा जितना फायदेमंद मंद है उतना ही नुकसानपूर्वक भी है नुकसान क्या है इसका स्टोमेटा अगर ओपन रह गया तो जितना भी वाटर अंदर प्रेजेंट है दैट विल दैट विल ट्रांसपायर तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कैन अकर इन योर लीफ ट्रांसप्रेशन इज़ लॉस ऑफ वाटर पानी अगर लूज कर दिया बड़ी बेकार बात है वट वी कैन डू लीफ का सर्फेस एरिया ज़्यादा ट्रांसपेरिएशन ज़्यादा लीफ का सर्फेस एरिया कम ट्रांसप्रियन कम तो इस प्लांट ने क्या किया अपनी लीफ को मॉडिफाई करके उसकी शेप को चेंज कर दिया कैसे शेप कर दी है निडल लाइक शेप कर दी है क्यों ताकि अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर पाए रिड्यूस्ड सरफेस एरिया मींस लेस ट्रांसपीरेशन मीन्स लेस लॉस ऑफ वाटर पानी बचा लिया पानी बचा लिया पहली चीज दूसरी चीज लीफ के आउटर में पहली बात तो शेप चेंज कर ली पहली बात तो बायोलॉजी पढ़ ली बच्चों ने अच्छी फिर केमिस्ट्री फिजिक्स को भी तो तुमने किया अच्छे से कैसे किया जो लीफ है उसके आउटर में क्यूटिकल की लेयर लगा दी वेरी थिक क्यूटिकल की लेयर क्यूटिकल भी ट्रांसपिरेशन से बचाएगा प्लांट को तो फर्स्ट बायोलॉजी तैयार करी मतलब निर्डर लाइक लीव्स को बना दिया केमिस्ट्री तैयार करी मतलब थिक क्यूटिकल बना दिया एंड स्टोमेटा ही तो वो कल्प्रिट है जो पानी को बाहर भेज रहा है तो क्यों ना इस स्टोमेटा को ही नीचे छुपा दिया जाए तो वी हैव संकन स्टोमेटा स्टोमेटा को नीचे थोड़ा सा नीचे खिसका दिया है ताकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में कम से कम रहे कम से कम रहेगा तो लॉस ऑफ वाटर भी कम से कम ही होगा आया समझ आया समझ प्लांट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने वॉटर के कंटेंट को बचा के रखने के लिए वाटर के कंटेंट को बचाने के लिए क्या किया इसने निल लाइक लीव्स बना ली हैं थिक क्यूटिकल रखा है संकन स्टोमेटा कर लिया है एम आई क्लियर और एम आई क्लियर आ, आ. डॉक्टर में इनका कंफ्यूज हो गए वापस से सुनो भाई जो लीफ होती है प्लांट की प्लांट की जो लीफ होती है सिंस जिमनोसपम जो है वो हिली एरियाज में पाया जाएगा जहां पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है तो ये प्लांट चाहता है कि पानी अपना बचा करके रखे वाटर लॉसेस को मिनिमाइज करे तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना मतलब ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करना ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए तीन अडेप्टशन कर ली है इसने पहली तो ये कि जो लीफ है वो निडल लाइक है इस डायग्राम को देख लो

ट्रांसपिरेशन के लिए उस टोमेटा को भी छुपा करके नीचे रख दिया है जैसे फिजिक्स को नीचे रखते हो वैसे इसने इस टोमेटा को भी छुपा दिया है बिल्कुल करेक्ट अभी बताओ एनी डाउट इज इट क्लियर और इज इट क्लियर तो क्या मैं पानी ग्रहण कर सकती हूं हाँ जी इज इट क्लियर और इज इट क्लियर डन क्लियर क्लियर तो भाई कंजूस बच्चों फटाफट से, से सेशन को लाइक कर लो शेयर कर लो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा लो जल्दी से no नो डाउट गुप्ता चलिए फिर चलते हैं आगे चलिए जी चलते हैं आगे अब लास्ट क्लास तक हम एक चीज तो समझ चुके हैं एलगी में द कंडीशन इज होमोस्पोरस ब्रायोफाइट में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में भी मेजरली होमोस्पोरस बट वी हैड हेट्रोस्पोरस एज वेल हाइट्रोस्पोरस किसमें था दो एक्सेप्शन हमने पढ़े थे दो एक्सेप्शन राशि कुमारी श्रीवास्तु क्यूटिकल होती है बच्चे एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है वैक्स सब्सटेंस की कोटिंग होती है लीफ के ऊपर वैक्स सब्सटेंस की जो कोटिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज योर क्यूटिकल ठीक है आया समझ राशि अरे राशि तो वही है जिसने कुकर में से चने निकाल के खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया था है ना यस yes. राशि क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया जनता जवाब चाहती है इतने सारे मेम्स बन गए उसके ऊपर क्यों किया आपने ऐसा अनी दैट्स नॉट स्पायरोना दैट साल्वीनिया सालवीनिया एंड सलेजनीला राइट इज इट क्लियर चलिए जी अब बात करते हैं हम वापस से आते हैं हमने बात की एल्गी में वी हैड होमोस्पोरस कंडीशन ब्रायोफाइट में कम्प्लीटली होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस मेजरली बट बट हैट्रोस्पोरस कंडीशन भी थी कुछ प्लांट्स में मैंने कहा था ये जो हैट्रोस्पोरस कंडीशन है दिस इज समथिंग जो आगे चल के कुछ रिवोल्यूशनइज करने वाली है कुछ रिवॉल्यूशन आने वाला है कुछ ईवल्यूशन होने वाला है क्या ईवोल्यूशन हुआ था सबको पता है देखो कितनी कितनी तेजी से सद की हसी के वो आए हैं इमोजेस आप ये बताओ आप ये बताओ सबको पता है लेकिन सालवीनिया और स्पायरोना क्या किसी को नहीं पता है इसका मतलब कुछ गाना बनाना चाहिए इसके ऊपर भी ताकि आपको याद रहे है ना यस yes. चलिए जी तो आगे चलते हैं बच्चों तो हमने बात की आ, इसको हम कर देते हैं इरेज हाँ जी हमने बात करी कि अब आगे हेट्रोस्पोरस कंडीशन आना स्टार्ट हो चुकी है वट डू वी मीन बाई हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस क्या होता है मतलब प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे कौन कौन से स्पोर वी हैव वन माइक्रोस्पोर एक तो है आपका माइक्रोस्पोर एक है आपका मेगास्पोर मेगा स्पोर्ट ठीक है जी कल ही हम बात कर चुके हैं कल की क्लास में सलोनी कुमारी और फर्स्ट क्लास और मोस्ट वेलकम टू आर क्लासेस मोस्ट वेलकम नाफि साहब ठीक है डन डन आई डू दैट आई डू दैट ठीक है मैम आपके लिए जिफ्ट भी लाएंगी मैम आपके लिए अच्छी क्लासेस भी बनाएंगी वीडियोस भी दिखाएंगी क्वेश्चंस भी करवाएंगी गाने भी बनाएंगी सब मैम करेंगी तुम लोग लाइक भी मत करो चैनल को सब्सक्राइब भी मत कराओ तुम कुछ मत करो कंजूस हो कंजूस बच्चे मेरे सारे सारे कंजूस बच्चे हाँ जी तो बच्चे यस हेट्रोस्पोरस की बात कर रहे थे हम अब तक होमोस्पोरस थी टेरिडोफाइट से हेट्रोस्पोरस कंडीशन आनी स्टार्ट हुई थी है ना वहाँ पे भी आपके दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट थे अब जिम्नोस्पम्प्स एनजियोस्पम्प्स प्योरली हेट्रोस्पोरस है जिम्नोस में भी आपको हेट्रोस्पोरस देखने को मिलेगा एनजीओज में भी आपको हेट्रोस्पोरस ही देखने को मिलेगा हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर स्पोर्स प्रेजेंट होना दो डिफरेंट काइंड कौन से वन इज योर माइक्रोस्पोर सेकेंड इज योर मेगास्पोर एक है आपका माइक्रोस्पोर एक है आपका मेगास्पोर माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा क्या बना रहा है जी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा अब समझो समझो फाइट मतलब बियरिंग फाइट मतलब बियरिंग मेल गैमेटो मतलब मेल गैमीट बियरिंग तो स्ट्रक्चर विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट इज मेल गैमेटोफाइट। फाइट द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ फीमेल गैमीट इज फील फीमेल गैमेटोफाइट। फाइट तो ये हुआ आपका मेल गैमेटोफाइट, फाइट ये हुआ आपका फीमेल गैमेटोफाइट। फाइट यहाँ तक कहानी क्लियर हुई यहाँ तक कहानी क्लियर हुई बताओ मुझे यस yes, क्लियर हुई आगे सुनो आगे सुनो मेल गैमिटोफाइट मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा ये फीमेल गैमेट यहां तक सब कुछ क्लियर है अब देखो याद करो लास्ट क्लास कल वाली क्लास कल वाली क्लास में आपको क्या समझाया था कि जो लीफ है उसको आपने बुलाया स्पोरोफिल स्पोरोफिल बुलाया इसको मैं करती हूं रब जी कल हमने कहा था भाई लीफ को आप बुला रहे हो स्पोरोफिल है ना स्पोरोफिल स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट था आपका स्पोरेंजिया कल डायग्राम भी दिखाया था स्पोरेंजिया तो जो स्पोरोफिल है विच इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर उस पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया इस माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें होता है रिडक्शनल डिवीजन विच इज योर मियोसिस अपॉन मियोसिस इट प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर ये क्या बनाता है जी माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर जब डेवलप करता है अपने सराउंडिंग में इंटाइन प्लस एग्जाइन ये माइक्रोस्पोर जब इंटाइन प्लस एग्जाइन को बना लेता है इट फॉर्म्स पोलन ग्रेन ये बनाता है जी पोलन ग्रेन दिस पोलन ग्रेन दिस पोलन ग्रेन डियर बच्चा दिस इज योर दिस इज योर मेल गैमीटो फाइट मतलब पोलन ग्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके मेल गैमीट प्रेजेंट होने वाले हैं जिसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होने वाले हैं दिमाग के ढक्कन खोलो आया समझ में कुछ आया समझ में कुछ एनसीआर टी की स्टेटमेंट पढ़ लेते एन सी आर टी लिखती है द स्ट्रॉबिलाई डियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल द स्टॉबलस और लाइक स्ट्रक्चर क्या था जब आपके स्पोरोफिल एग्रीगेट होके प्रेजेंट होते हैं उसको आपने स्टॉपल या फिर कॉन कहा था ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है ये आपका स्टॉबलस या फिर लाइक स्ट्रक्चर -like ही है तो द स्टॉबलस बियरिंग माइक्रोस्पोरो स्पोरोफिल इज लीफ माइक्रोस्पोर कंटेनिंग वाली लीफ तो जिस स्ट्रॉबलस में माइक्रोस्पोरोफिल है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होगा बट ऑबली इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबलाई इसको आप मेल स्ट्रॉबलाई कहेंगे इसको आप मेल स्ट्रॉबलाई कहेंगे तो वापस चलते हैं नोट्स पे इसको क्या इसको मैं मेल स्ट्रॉबिलाई या फिर मेल कौन बुला दूं यस yes. कैन आई कॉल इट मेल स्ट्रॉबलाई और मेल कौन हां जी टेल एवरी वन मेल वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेल वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वापस से देख लो यहां पे वी हैव दिस माइक्रोस्पोरोफिल जो कि मेल स्टॉबलेस की फॉर्म में प्रेजेंट है इसपे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी जब इसमें म्योसिस होगा माइक्रोस्पोर बनाएगा वो माइक्रोस्पोर आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन को फॉर्म कर देगा पोलन ग्रेन को फॉर्म कर देगा ये है आपका मेल स्टॉबलेस एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एम आई क्लियर टू ऑल द बच्चा आउट देर यस और नो क्लियर व्हाट अबाउट फीमेल पार्ट फीमेल में थोड़ा ट्विस्ट है फीमेल में इस बार थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा पिक्चर अभी बाकी है फीमेल की फीमेल वाला पार्ट देखते हैं जी वापस आ जाते हैं नोट्स पे तो फीमेल में भाई हम बात करेंगे किसकी फीमेल स्टॉबल्स की वी हैव द फीमेल स्टॉबल्स स्टोबलस इज वॉट अगर आपकी मैगा स्पोरो मैगा स्पोरो प्रेजेंट है एग्रीगेशन में उसको आपने बोल दिया फीमेल स्टोबलस राइट मैगा स्पोरो पर माइक्रोस्पोरेंजियम तो नहीं हो सकता यहां क्या होगा यहां होगा मेगा स्पोरेंजियम यहां था माइक्रो यहां है आपका मेगा क्या है मेरे लाल मैगापोरेंजियम मैगा स्पोरेंजियम क्या होता है कुछ ऐसी लैंग्वेज में बताओ मैम जिससे हमको समझ में आए मैगा मेगास्पोरेंजियम इज बेसिकली दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज ओव्यूल ओव्यूल तो याद आ रहा होगा सबको ओव्यूल टेक्निकली इट इज ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम इन टर्न हैविंग प्रेजेंस ऑफ इसमें आपका न्यू सेलस प्रेजेंट है प्लस इस न्यूसेलस को गाइड करने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है व्हिच इज कॉल्ड एज़ इंटेग्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज़ इंटेग्यूमेंट राइट एवरीवन तो जो मेगास्पोरेंजियम है व्हिच इज ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर इस ओव्यूल में वी हैव न्यूसेलस जिसको कवर किया है हमने इंटेग्यूमेंट की हेल्प से तो पहले यहां पे ही आपको दो एमसीक्यू अलर्ट में दे देती हूं कि जो ओव्यूल होता है दिस इज ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है आप आगे चल के समझेंगे कि ओव्यूल डिफरेंट टाइप का हो सकता है इट माइट बी एनाट्रोपस माइट बी ऑर्थोट्रोपस माइट बी सरसिनोट्रोपस डिफरेंट टाइप का ओव्यूल एग्जिस्ट करता है बेस्ड अपॉन माइक्रोपाइल चेलेजल का एंड किस ओरिएंटेशन में है राइट right? तो ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है जिम्नोसपम्प में प्लस जो इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल की सराउंडिंग में न्यूसेलस के सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट जिम्नोसपम्प्स में वी हैव यू यूनिटेगमिक ओव्यूल मतलब एक सिंगल इंटेग्यूमेंट पाया जाता है एनजीओ में वी हैव बायोटेग्मिक एनजियो में बायोटेगमिक होता है में यूनिटैगमिक होता है एक सिंगल इंटेग्यूमेंट पाया जाता है तो वी हैव वी हैव इंटेग्यूमेंट आगे की कहानी बिल्कुल सिंपल है तुम लोग को आती है न्यूसेलस में वी हैव मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट इन न्यूसेलस इसमें होता है रिडक्शनल डिविजन बनाता है मेगा स्पोर बनते तो चार मेगा स्पोर है लेकिन चारों फॉर्चुनेट नहीं होते हैं तीन डिजनरेट हो जाते हैं एक ही फंक्शनल होता है जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो बना देता है आपका फीमेल गैमिटोफाइट वो बनाता है आपका क्या फीमेल गैमिटोफाइट च इज विच इज कहानी में ट्विस्ट आने वाला है कहानी में ट्विस्ट फंक्शनल मेगा स्पोर ने बनाया फीमेल गैमेटो फाइट एंड दैट फीमेल गैमेटो फाइट माई डियर बच्चाज इज कॉल्ड एज एंडम इट इज कॉल्ड एज एंडोस्पम अरे मैम आपने तो हिला के रख दिया एंडोस्पम एनजीओ स्पम में तो हम सम, समझते हैं कि ट्रिप्लॉयड है ये तो एंडोस्पम्प हप्लोइड नजर आ रहा है क्या ये बात सही है यस ऑफ कोर्स बिल्कुल करेक्ट बात है जो ये एंडोस्पम्प होता है जिम्नोसपम्प का वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट्स पहला पॉइंट तो ये कि ये एंडोस्पम्प आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन बन चुका है बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स इज हॉइड इट इज नॉट नॉट्रिप्लॉइड इट इज हॉइड इट इज हलॉइड बताओ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जी ये है आपकी मेल गैमेट की स्टोरी ये है आपकी फीमेल गैमेट की स्टोरी भाई इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें आपको थोरोली क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म हुए हैं तो मेल गैमेट आपका मेल गेमिटो फाइट में प्रेजेंट है फीमेल गैमेट आपका फीमेल गेमिटो फाइट में प्रेजेंट है फीमेल गेमिटो फाइट क्या है इट इज योर एंडोस्पम एंडोस्पम एनजियोस्पम में भी पढ़ोगे तुम लोग डेफिनेटली पढ़ोगे वहां पर भी एंडोस्पम्प को एजियोस्पम्प में भी पढ़ोगे जिम्नोस्पम्प में भी पढ़ोगे डिफरेंस एंडोस्पम्पर्म बिफोर बनाएगा जो कि एग होता है ये आपका मेल गैमिट बनाएगा मेल गैमिटोट क्लियर हुआ कुछ भी डाउट है तो पूछिए कुछ भी डाउट है तो पूछे कविंदर राणा भाई नो डाउट सर इतने बड़े बड़े बाल हैं मैम के कहाँ से मैम आपको सर नजर आ रही है बताओ मुझे इतने बड़े बड़े बाल हैं हाँ जी यस एवरीवन रिपीट कर दिया वापस से रिपीट कर दिया क्लियर हुआ तो यहाँ पे मेल गैमिट प्रेजेंट है ये फीमेल गैमिट मेल गैमिट में होगा पोलिनेशन पोलिनेशन विच विल ऑलवेज बी एनिमोफिलस जिम्नोस्पम्स में पोलिनेशन विल ऑलवेज बी एनिमोफिलस वो रीच आउट करेगा एक के पास में बन गया जयगॉट बन गया आपका जायगॉट यस टेल मी टेल मी एनी डाउट टेल मी एनी डाउट क्लियर 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 चलिए शाबाश फिर चलते हैं आगे द कोन बियरिंग अनिल गुप्ता होगा वी हैव फीमेल गैमिट दोनों फर्टिलाइज तो करेंगे ही बिना फर्टिलाइजेशन के सीड कैसे बनेगा सीड को तो बनना है देट विल बी फॉर्म एफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली नॉट बिफोर दैट राइट चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू अलर्ट बच्चा पार्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट द मेल एंड फीमेल कॉन जो मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबलेस है अगर वो सेम प्लांट पे पाए गए सेम ट्री पे प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बुलाएंगे मोनोशियस मोनोशियस कंडीशन इज फाउंड इन द केस ऑफ पाइनस तो पाइनस इज मोनोशियस साइकस इज डायोशियस बिकॉज मेल एंड फीमेल कौन आपके डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं इन केस ऑफ साइकस तो साइकस में डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे डायोशियस कंडीशन इज देयर। पाइनस में सेम प्लांट पे पाए जाएंगे मोनोशियस कंडीशन इज देयर लिखो सारे बच्चे कमेंट में लिखो सारे बच्चे कमेंट में बॉर्न सम कैलोरीज बॉर्न सम एटिपीज बॉर्न सम एटिपीज मोनोशियस कंडीशन इज इंटू पाइनस डायोशियस इज इंटू साइकस साइकस में डायोशियस है पाइनस में मोनोशियस कंडीशन पाई जाती है लिखो मेरे लाल लिख दो फटाफट से हाँ जी लिख दीजिए फटाफट से यस ग्रेट कूल चलिए फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वापस से हम समझ लेते हैं पूरी स्टोरी जो हमने अभी अभी समझी है विच इज ये आपका जिम्नोस्पम का प्लांट है मेन डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है इसमें कोई फाइट नहीं है अब आप सारे बच्चे समझ चुके हो टेरेडोफाइट से आगे जिम्नोस हो एनजीओज हो हर किसी में आपका हर किसी में स्पोरोफिटिक कंडीशन ही पाई जाएगी मेन डोमिनेंट फेज राइट तो यहां पे प्रेजेंट है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो स्ट्रॉबलस के फॉर्म में है वी हैव मेल स्टॉबलस वी हैव फीमेल स्टॉबलस मेल स्टॉबलस में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है जिससे आपका मेल गेमिटोफाइट बनेगा मेल गमिटोफाइट फीमेल में आपका ये ओव्यूल था जिसमें न्यूसेलस प्लस इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है इसने बना दिया दिस इज न्यूसेलस प्लस इंटेग्यूमेंट इसमें मेगास्पोर मदर सेल था मेगास्पोर मदर सेल में हुआ था रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस बना था तुम्हारा मेगास्पोर यहाँ से माइक्रोस्पोर में था आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल उसमें हुआ था रिडक्शनल डिवीजन बना था आपका माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर ने ग्रो करके बना दिया था आपका पोलन ग्रेन दोनों कंबाइन कर जाएंगे पोलन ग्रेन प्लस योर फीमेल गैमेट एंड हेंस फर्टिलाइजेशन विल बी देयर एस कुमार कह रहे हैं मैम एंडोस्पम्प को रिपीट कर दो एस कुमार रवि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है में उसी को आप एंडोस्पम्प कहते हैं उसको आप एंडोस्पम्प एनजियोस्पम्प में फीमेल गेमिटोफाइट को आप एम्ब्रियो सैक बुलाओगे यहां पे फीमेल गमिटोफाइट को ही आप एंडोस्पम्प बुला रहे हो ठीक है एस कुमार रवि क्लियर हुआ एवरीवन बताओ जी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से पूछ लो फटाफट से पूछ लो यस मे अब द लास्ट लाइन इसके बाद में हम देखेंगे वीडियो बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो तो बच्चे लास्ट लाइन इज अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस जिम्नोसपम्प में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है आपके गेमेटोफाइट ही राइट देर इज नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है दे आर रिटेनड ऑन द स्पोरफाइट कुछ याद आया कुछ याद आया कुछ याद आया दे आर रिटेनड ऑन द स्पोरोट मतलब सीड बनना शुरू हो जाएंगे यस yes, सीड बनना शुरू हो जाएंगे दे विल रिटेन्ड ऑन द स्पोरोट पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम बाय एयर करेंट दैट्स वाई दैट्स वाई दे विल ऑलवेज बी हैविंग एनिमोफिलस कंडीशन हमेशा एनिमोफिलस पाया जाएगा विच इज पोलिनेशन थ्रू एयर हवा के माध्यम से पोलिनेशन होगा हमेशा हमेशा एनजीओ में द माध्यम्स कुड बी डिफरेंट इट कुड बी वाटर इट कुड बी और एयर कुड बी बर्ड्स कुड बी इंसेक्ट्स बट यहाँ पे माध्यम द मीडियम विल ऑलवेज बी एयर करेक्ट बात है जी चलिए चलते हैं फिर आगे चलते हैं आगे आर यू ऑल रेडी फॉर द अमेजिंग वीडियो आई हैव टू वीडियो फॉर यू पीपल एक में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है सो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू ऑलरेडी फॉर द सुपर डुपर अमेजिंग टू वीडियोज सेंड मी ऑल लव सेंड मी ऑल लव राइट नाउ जी आर यू ऑलरेडी यस सुपर एक्साइटेड तो मैं साइड में हो जाती हूँ आप लोग देख लीजिए ये आपको प्लांट का स्पोरोफिटिक स्टेज दिखाया हुआ है स्पोरोफिटिक स्टेज देन स्पोरोफाइट पे वी हैव मेल एंड फीमेल कौन ये आपका मेल एंड फीमेल कौन दिखाया हुआ है मेल कौन को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया कि मेल कौन में यू हैव दिस माइक्रोस्पोरेंजियम ये फी फीमेल आया है पहले फीमेल स्केल वी हैव फीमेल में आपका ओव्यूल बना विच इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ न्यूसेलस प्लस इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस से आपका न्यूसेलस से आपका फीमेल पार्ट बना दिस इज मेल पार्ट वी हैव फोर माइक्रोस्पोर्स जो पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे ये पोलन ग्रेन जिसमें ये डेवलप हो चुके हैं दिस पोलन ग्रेन विल रीच आउट टू योर फीमेल कॉन फीमेल कौन पे रीच आउट करेगा आपका पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है एग के पास में जाएगा ये एंड देयर विल बी फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल दोनों का फ्यूज़न होगा मंथन होगा जिससे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा पोलन ट्यूब बना सिंपली एंड इन में जो एग प्रेजेंट है उस पर हो जाएगा फ्यूजन उस पर हो गया है जी फ्यूजन यस एवरीवन फ्यूज हो गया है एंड आपका सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा दिस सीड इज योर नेक्ड सीड बिकॉज सराउंडिंग में यू डोंट हैव एनी ओवरी ये जो सीड बना इसको जब आप सॉइल में डाल देंगे तो अगेन योर स्पोरोफाइट विल बी प्रोड्यूस्ड जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं पे ही आप वापस आ जाएंगे बताओ जी आया समझ में द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोटिक स्पोराफाइट पे आपका मेल एंड फीमेल कॉन वॉज देयर एस कुमार नॉट फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन विल बी थ्रू एयर एनिमो फिलस होगा पॉलिनेशन ठीक है क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ यस और नो आई एम हैविंग वन मोर अमेजिंग वीडियो फॉर यू पीपल एक और वीडियो बाकी है हां जी तो स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट वीडियो को चलिए नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स का बेसिक जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है प्लस देयर प्लस देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिम्नोज नेक्ड स्पम्प सीड ऐसे सीड्स होते चिलगोजा सीड है ये आपका सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है टैप रूट होता है जनरली लीव स्टेम रूट तीनों चीजें वेल डेवलप्ड होती हैं यहां पे तीनों चीजें वेल डेवलप्ड होती हैं यस yes. यस yes, जिम्नोसपम्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता है आपके डायकोट में आपके जिम्नोसपम्प दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है राइट right? तो वी हैव द मेच्योर स्पोरोफाइट जिसमें म्योसिस होगी स्पोरेंजियम गेमिटोफाइट एग बना आपका नया स्पोरोफाइट वापस से बन जाएगा बन जाएगा यस वी हैव द मेल कौन एंड द फीमेल कौन ये ऐसा मेल कौन होता है ये आपकी फीमेल कौन है मेल एंड फीमेल कौन मेल स्टॉबलेस या फीमेल स्टॉबलेस भी आप इसको बुला सकते हो राइट स्पोर गेट ट्रांसफर थ्रू एयर एनिमोफिलस विल ऑलवेज बी देर यस मेनली इट वॉज इट वॉज फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो वी हैव पाइन रोजवुड फर, सेड्रस ये प्लांट जो होते हैं ये फर्नीचर बनाने में यूज करे जाते हैं पेंसिल बनाने में मैच बॉक्स बनाने में यूज किए जाते हैं वी हैव द पाइनस ट्री जो टिम्बर ऑयल एंड रेजिन रेजिन क्या होता है ये एंटी फंगल वुड होती है आपकी एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल वुड के लिए यूज किया जाता है एफिड्रा वेरी इंपॉर्टेंट जिम्नोसपम एफिड्रिन ड्रग को बनाता है नीटम इज यूज टू तो क्योर रिमेटोजम ये बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए है यस पेपर बनाने में यूज होता है पेपर बनाने में ये प्लांट भी सबने देखा होगा मंकीस पजल एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट सबने देखा होगा घरों के बाहर लगा रहता है वेरी इंपॉर्टेंट मंकीज पजल बुलाते आप इसको ऑर्नामेंटल प्लांट है जी बताओ जी एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट क्रिस्टल क्लियर हो गया क्रिस्टल क्लियर हो गया मजा आ गया सबको यस yes. तो यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द होमवर्क क्वेश्चन तीन होमवर्क क्वेश्चन आप बच्चों के लिए तीनों होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे अभी कोई आंसर नहीं करेगा एंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो मेक श्योर sure सारे बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो तीनों क्वेश्चन का द फर्स्ट सीडिड प्लांट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन ऑन द सेम प्लांट विच इज मोनोशियस कंडीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट इन फोर स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना राइट एवरी वन लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई नीड योर गुरु दक्षिणा आप बच्चों को इतनी अमेजिंग बहुत मज़ा आया अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कैसा लगा एनिमेशन्स कैसी लग रही है पीपीटी आपको कैसी लग रही है सुनने में कितना मज़ा आ रहा है मज़ा आएगा तभी तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे अच्छे से राइट गुरु दक्षिणा टाइम है जिस जिस बच्चे को सेशन में मज़ा आया कुछ सीखने को मिला मेक श्योर एटलीस्ट तीन बच्चों से आप जरूर इसको सब्सक्राइब करवाएंगे राइट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर अमेजिंग चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे और राइट बाय एवरी वन एंड पीस फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू बाय बाय